बैठ बैठ पुत्र बैठ। और पुत्र ये ले सारी मशीनों की रसीदें और दिल लगा के काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, जो आपने मेरे लिए किया है शायद कोई मेरा अपना भी इतना ना करे। और तू मेरे लिए गया थोड़ी है, मेरा बेटे जैसा है, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। मैं सोचता था कि मेरे बाद इस सब का क्या होगा, लेकिन फिर समझ में आया कि ऊपर वाला किसी इंसान को किसी ना किसी का वसीला बनाकर भेजता है, बेशक। तो मैं तेरे काम आ गया। जजाक अल्लाह चाचा। वैसे एक बात बताओ शमसू चाचा, तुम हिसाब किताब के मामले में किसी पे एक प्याली चाय नहीं छोड़ते, उस्ताद के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया, समझ नहीं आई ये बात मुझे। काम में लिहाजदारी कर ली तो खा लिया मैंने, काम का मजा दयानतदारी से ही करने में, क्यों? वैसे एक बात कहूं शमसू चाचा, तुमको जो है ना अब शादी कर लेनी चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद मिल जाएगा। और तेरे जैसे उल्लू के पट्टे से मुझे ऐसे ही मशवरे की उम्मीद थी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ना इसको गोद ले लें, यहीं बिठा के रखे हैं, सारा दिन से काम करवाएं, बातें करें, बातें सुनाएं, आपका भी दिल लगा रहेगा। अरे शमसू चाचा, उस्ताद तो ऐसे ही कह रहे हैं, इनकी मजाक करने की आदत है। खैर उस्ताद तुम चाय पियो, आज बड़े मजे की चाय इलायची वाली बनवा के लाया हूँ, पियो पियो पियो। चाचा समझ में नहीं आई मुझे तुमने ये किया क्यों सब।